भी मेंबर है ना? जी जी जी। मतलब उसके बगैर वो तो भाई कुछ ना कर पाए, अगर वो मेंबर ना होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ज़फ़र सिक्योरिटीज़ के प्लेटफॉर्म से लाए हुए हम सोशल मीडिया सेक्शन पर हमारी टेक्निकल रिसर्च टीम के साथ, और जो आपको मार्केट से अपडेट करते हैं और आपकी रहनुमाई करते हैं। जिस तरह से ज़फ़र सिक्योरिटीज़ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का मेंबर है, इसी तरह ये पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज का भी मेंबर है, जिसमें आप फॉरेक्स यानी करेंसीज और कमोडिटीज लाइक गोल्ड, क्रूड ऑयल एंड कॉटन, शुगर, आप इसमें भी ट्रेड कर सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि 24-22 आवर्स आपके पास एक वेब बेस्ड टर्मिनल प्रोवाइडर फैसिलिटी मौजूद होती है जिसपे आप ट्रेड कर रहे होते हैं। एंड लेकिन 2 मंथ्स जो हैं वो आपकी ट्रेडिंग लिमिट होती है कि आप 2 मंथ्स के अंदर आपने जो भी बाय किया है उसको सेल करें, या आप उसको अगेन जो है बाय करने के बाद उसको सेल करने के बाद आप उसको अगेन बाय कर लें। और अभी ये स्टार्ट जो है वो 2007 में हुआ था पाकिस्तान में, और अभी काफ़ी डेप्थ हो चुकी है इसकी। तो आप इसके लिए भी अगर आपके क्वेश्चंस हों या हमारे पास व्यूअर्स हों, तो हम पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज की फैसिलिटीज़ भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ज़फ़र सिक्योरिटीज़ की तरफ से। तो आप हमें इसके लिए भी अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। और स्टॉक एक्सचेंज के लिए हम डिस्कस करते हैं आज तैयब से, वो बताएंगे हमें कि मार्केट ने आज कैसा बिहेव किया। जी तैयब जी, आज हमने देखा कि मार्केट ने अपने कल के पॉजिटिव बिहेवियर को ही कंटिन्यू किया, और आज जो मार्केट है काफी ज्यादा पॉइंट्स गेन करने में कामयाब हुई, और 531 पॉइंट का इजाफा हुआ आज 100 इंडेक्स में, और 100 इंडेक्स जो क्लोज हुआ वो 41,790 की सतह पर आज बंद हुआ, और जो टोटल टर्नओवर रिकॉर्ड किया गया वो आज 161 मिलियन का रिकॉर्ड किया गया। जी, और वॉल्यूम लीडर शेयर्स कौन से रहे आज तक? जी, आज वॉल्यूम लीडर्स के अंदर जो नुमाया शेयर्स थे उनमें सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन जो है 10.4 मिलियन के साथ, आशा स्टील जो है 9 मिलियन के साथ, असगर नाइन जो है 8.6 मिलियन के साथ, सुई सर्दन गैस जो है 7.6 मिलियन के साथ, और 2 स्टील 7 मिलियन के साथ नुमाया शेयर्स रहे। नहीं सर, क्या मार्केट सिचुएशन को देखते हुए ये बाइंग टाइम है? जी बिल्कुल, मार्केट इस वक्त टेक्निकली 41,200 का जो रेजिस्टेंस लेवल था उसको ब्रेक किया है, जहाँ पर हम फर्दर एक्सपेक्ट कर रहे हैं आने वाले कुछ सेशंस काफ़ी बेहतर होंगे, तो नई सरमायाकारी के लिए हालात काफ़ी साजगार हैं। जी, एंड नेक्स्ट वीक में सर कैसा देख रहे हैं मार्केट को? नेक्स्ट वीक भी बेहतरी के आसार काफ़ी नुमाया हैं। नहीं सर, क्या कमोडिटीज में भी सीजीटी पे करना होता है? जी, कमोडिटीज में भी सीजीटी का पे करना होता है जिसका रेट तकरीबन 5% है। और सर गोल्ड रेट पर कैसा सीजीटी, क्या सीजीटी होगा? 5% होगा। ओके, ये सर प्रॉफिट पर होता है? गेन पर। जी, प्रॉफिट पर। जी ठीक है। एंड नहीं सर, डीसीएल के बारे में आपके क्या व्यूज हैं? जी, डीसीएल में आज हमने देखा कि सीमेंट्स में एक सरमायाकारों का काफ़ी दिलचस्पी देखने को मिली, जहां पर डीसीएल भी उसकी गिरफ्त में आया, और हालिया जो उसकी रैली है वो 13.5 से 14 रुपये तक रह सकती है। जी, एंड मेहता साहब वालेकुम सलाम सर, कैन यू गाइड हिम अबाउट डीजीकेसी एंड एग्रो, व्हाट विल बी टारगेट प्राइस, होल्ड एंड सेल? डीजी खान का इस वक्त का जो टारगेट है वो 155 से 158 रुपये की रेंज में है, जबकि एंग्रो कॉरपोरेशन का 305 से 307 रुपये का इब्तदाई टारगेट। सर, पीएमबीएक्स में कितने से अकाउंट ओपन होते हैं? जी, इसकी कोई मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं है, डिपेंड करता है कि आपका ट्रेडिंग कितना कैपिटल है और आपका टाइम ड्यूरेशन कितना है इस ट्रेड का। जी, और सर अर्निंग किस किस बेस पर हो रही होती है?
अर्निंग मींस मींस जो प्रॉफिट गेन होता है उसकी क्या रेशियो होती है इन्वेस्टमेंट के लिहाज से? इन्वेस्टमेंट रेशियो जो है गेन की वो मुख्तलिफ है पर्सन टू पर्सन फ्रॉम इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन, तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें काउंट करेंगी, आपका जो स्किल है, आपकी जो इंटरप्रिटेशन है मार्केट की, और आपका जो अवेयरनेस है, आपका नॉलेज है, तो वो काफ़ी काउंट करेगा आपका जो गेन है उस हवाले से। जी आसिम जफर साहब वालेकुम सलाम, एम सर ये पूछ रहे हैं टेल फ्यू आइटम्स व्हिच आर एट ब्रेकआउट लेवल टुमारो। जी जिसमें बैंक ऑफ पंजाब और नेशनल बैंक काफी अट्रैक्टिव है इस वक्त। जी एंड सर आईपीओस ऑफ एजीएल फिजिबल हैं अभी या नहीं? थोड़ा कॉस्टली है, 80 रुपए का फ्लोर प्राइस है, जहाँ पर उसकी जो एनुअल अर्निंग है वो लेस देन 4 रुपीज है। जी एंड तैयब जहाँ जेब कुरैशी को डीएसएल के बारे में गाइड कीजिएगा। जी डीएसएल का जो करंट टारगेट है वो 13.5 से 14 रुपए के ऊपर है, ये रेट आपको मिलता है, आप इस पे प्रॉफिट बुकिंग कीजिए। एंड लोड्स को? जी लोड्स जो है उसका 37 का टारगेट है। जी एंड तैयब डीएफएमएल के लिए आपके व्यूज? जी डीएफएमएल जो है उसके जो फर्स्ट रेजिस्टेंस होगी जो टारगेट है वो 26 से 27 रुपए के ऊपर है। जी लाइक मूसा साहब वालेकुम सलाम, और तैयब बताइएगा कि एंग्रो वाज अप टू डे। जी जी एंग्रो का जो फर्स्ट टारगेट होगा वो इससे 300 से 310 रुपए के ऊपर एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगी, यहाँ पे आप शॉर्ट टर्म के लिए प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। जी एन टी आर जी प्लीज। जी टीआरजी का जो इनिशियल टारगेट होगा वो 37 से 38 के ऊपर है। ठीक है जाहिद खान पूछ रहे हैं एएसएल को किस प्राइस में सेल करना चाहिए, क्या 20 को क्रॉस करेगा या सेल कर दे? जी आशा स्टील जो है इसका जो इनिशियल टारगेट होगा वो 21 रुपए का है, और उम्मीद है कि ये आने वाले सेशन के अंदर इसको अचीव कर लेगा, तो आप इस पे प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। एंड अब्दुल अजीज पूछ रहे हैं एनएमएल। जी एनएमएल के भी अंदर हमने एक रैली देखी है और करंटली इसकी जो रेजिस्टेंस है वो 144 से 145 रुपए के ऊपर है, शॉर्ट टर्म के लिए आप इस रेट के ऊपर इस पे प्रॉफिट बुकिंग कीजिए। जी एंड टारगेट प्राइस ऑफ यूबीएल। जी यूबीएल की जो इनिशियल टारगेट प्राइस होगी जो रेजिस्टेंस है वो 190 रुपए के ऊपर है। ठीक है शेल एंड डीएसएल बता दीजिए, अकरम पूछे हैं। जी शेल जो है उसकी जो इनिशियल टारगेट प्राइस और रेजिस्टेंस है वो 350 से 360 रुपए के ऊपर मौजूद है। ठीक है और डीएसएल का 13.5 से 14 रुपए तक टारगेट एक्सेप्टेड है। ओके अलशहीर की बाइंग और टारगेट प्राइस बताइएगा। जी ये आप 85 के ऊपर एक इसकी एक रेजिस्टेंस 85 से 86 के ऊपर अगर स्टॉक डिप लेता है तो आप इस पे बाय कीजिए, और इसके जो रेजिस्टेंस है ये 92 से 93 रुपए के ऊपर है, यहाँ पे आप इसको शॉर्ट टर्म के लिए सेल कर सकते हैं। जी और तैयब रिजवान अब्बासी पूछे हैं कैन वी टेक फ्रेश पोजीशन इन एग्रो और पीपीएल। जी एग्रो में आप फ्रेश पोजीशन ले सकते हैं, जबकि पीपीएल जो है उसके अंदर अभी थोड़ा सा वेट कीजिए, पिछले लास्ट वीक से इसके अंदर हमने काफी ग्रोथ देखी है, सो किसी भी टाइम इसके स्टॉक जो है वो डिप ले सकता है और थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आ सकता है इसके अंदर। जी एंड तो ये उमेर ताहिर पूछ रहे हैं इज इट गुड टाइम टू इन्वेस्ट इन जीएचएनएल। जी जीएचएनएल जो है वो आपको 161 से 162-163 की रेंज में मिले, आप इस पे बाय कीजिए। जी एंड बकार अहमद साहब पीपीएल के बारे में बता चुके हैं, एंड नेम सर एमबीपी क्यों नहीं बढ़ रहा है? जी नेशनल बैंक हमने देखा पिछले दो दिनों से काफी सरमायाकारों की तवज्जो का मरकज है, जहां पर स्टॉक इस वक्त अपना जो इनिशियल का टारगेट है 52 से 53 रुपए का उसकी जानब बड़ी तेजी से गामजन है। जी एंड नेम सर राहिल मुल्तानी है, मुल्तानी ये पूछ रही है एफएफबीएल के बारे में। जी एफएफबीएल बाय करना चाहिए, इब्तदाई टारगेट 38 से 39 रुपए का। जी एंड एनआरएल सर।
एनआरएल भी काफी अट्रैक्टिव हो रहा है, लेकिन फिलहाल एक से दो सेशंस इंतजार की जरूरत रहेगी। जी, जरियाब ने पूछा है मार्केट सॉरी मेक्टर बाय होल्ड और सेल। प्रॉफिट टेकिंग, ओके सर, बाय करना चाहिए क्या? प्रॉफिट टेकिंग काफी सूदमंद रहेगी क्योंकि स्टॉक जो है वो काफी हफ्तों से एक बड़े लंबे अप ट्रेंड में है। सर ताहिर नवाज पूछ रहे हैं सीमेंट सेक्टर की एक बैड न्यूज चल रही थी सोशल मीडिया पे कि कोल इंपोर्ट पे ड्यूटी लग रही है, तो काइंडली इस पे कुछ बता दीजिए, आप वजाहत कर दीजिए। जी, सीमेंट सेक्टर में हमने देखा कि एक लंबा डिक्लाइन पिछले 6 महीनों में रहा, जहां पर सीमेंट सेक्टर की जो कीमतें हैं वो अपनी आधी से भी ज्यादा कम हुई। बहुत सारे स्टॉक्स जो हैं फिलहाल टेक्निकली काफी मौजूद लग रहा है एक शॉर्ट टर्म रैली के लिए, जहां पर सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटजी को अपनाना पड़ेगा सीमेंट सेक्टर के हवाले से। जी, एंड सर व्हाट अबाउट पीटीसी? पीटीसी 13 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ बाय किया जा सकता है, इत्तेदाई टारगेट 15 रुपए का। एंड सर जीएटीएम को कैसा देख रहे हैं, इसके बारे में कोई अपडेशन? जीएटीएम इस वक्त रिकमेंडेशन में नहीं है, स्टॉक इस वक्त बहुत हॉरिजॉन्टल परफॉर्मेंस दे रहा है और आने वाले मजीद कुछ हफ्ते इसी रेंज बाउंड ट्रेडिंग एक्टिविटी में गुजरेंगे। जी नहीं सर, बहुत अल्ताफ पूछ रहे हैं 22,000 लगती है मार्केट? जी बिल्कुल जी। नहीं सर मोहम्मद 42,000 की लगती है? बिल्कुल जी ठीक है। मोहम्मद मोहसिन कुरैशी है ATRL MPSO की टारगेट प्राइस पूछना चाह रहे हैं और व्हेन टू बाय बैक अगेन। जी इस वक्त अटक रिफाइनरी और PSO अपनी जो इब्तदाई टारगेट प्राइस है उसके बहुत करीब है, जहां पर अटक रिफाइनरी 370 से 380 की रेंज में उसका एक प्रॉफिट टारगेट है, जबकि PSO का जो प्रॉफिट टारगेट है वो तकरीबन 365 से 370 रुपए की रेंज में है। जी एंड नेम सर ISL? जी ISL का इस वक्त का जो शॉर्ट रेजिस्टेंस था 116 से 115 का, उसको उसने ब्रेक किया, इंट्राडे पेनिट्रेट किया स्टॉक ने, जहां पर नेक्स्ट जो पॉसिबल सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल है वो तकरीबन 123 से 125 के रुपए के दरमियान पॉसिबल है। जी नहीं सर, जुबैर इलियास ने कह रहे हैं कि BOP जो है वो 1 ईयर से डाउन ट्रेंड में है, तो इसकी तरफ इसकी फेयर वैल्यू क्या है? टेक्निकली इस वक्त बैंक ऑफ पंजाब 8 रुपए पे बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट को बनाए हुए हैं, जहां पर हमने देखा कि काफी अकोमोडेशन नजर आ रही है, फिर वक्त बाई किया जा सकता है 8 रुपए का स्टॉप लॉस और इब्तदाई टारगेट जो होगा वो 12 से 13 रुपए का है शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में। जी सर, बैंकिंग सेक्टर के अलावा कुछ और ब्रेकआउट कर रहे हैं क्या सेक्टर या शेयर्स? बैंकिंग के अलावा इस वक्त ऑटो सेक्टर और स्टील सेक्टर नुमाया सेक्टर हैं, जहां पर हमने पिछले 2 से 3 सेशंस में काफी इंटरेस्ट देखा सरमायाकारों की जानब से और इस वक्त मजीद इसमें गुंजाइश मौजूद है दोनों सेक्टर्स में। जी तैयब शेख सलाम पूछ रहे हैं कि आपसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? जी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप है, इसके बाद हमारी वेब पेज आए, लाइव चैट की ऑप्शन मौजूद है, वहाँ पे हमारे रिप्रेजेंटेटिव आपसे बात करेंगे। इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ पे आप क्वेश्चंस पुट कर सकते हैं, वहाँ पे हम लोग रिप्लाई कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट नहीं होगा, सॉरी फॉर इंटरप्शन, इनके पास कॉन्टेक्ट नंबर नहीं होगा, अगर आप इनके साथ शेयर कर सकते हैं तो कर दीजिए। जी कॉन्टेक्ट नंबर है 03080484018 और 03233752997. इसके ऊपर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस करके पूछ सकते हैं किसी भी स्टॉक्स और मार्केट के हवाले से। जी ठीक है, इसके अलावा मुर्तजा खान पूछ रहे हैं इट इज वाइज टू परचेज इन हाई मार्केट? जी अभी जो है करंट और फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ जो अच्छे और स्ट्रॉन्ग शेयर्स हैं उनके अंदर काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी मौजूद है, आप इसे
बाय कर सकते हैं और जो मार्केट की करंट रेजिस्टेंस नजर आ रही है वो 43,000 से लेके 43,500 तक शो हो सकती है। जी अहमद चौधरी साहब, आप अपना नंबर हमारे साथ शेयर कर दीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में हम ही आपको ऐड करेंगे, जफर सिक्योरिटीज के रिप्रेजेंटेटिव ही आपका नंबर व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर सकते हैं, आप खुद उस ग्रुप में ऐड नहीं हो सकते हैं। तो आप प्लीज हमारे किसी भी फोरम पर आप अपना नंबर शेयर कर दीजिए तो हम आपको ऐड कर देंगे। एंड तैयब ताहिर नवाज है, बीजीएम के बारे में पूछे हैं। जी ब्लूस्टन ग्लास एक काफी डिक्लाइन के बाद थोड़ा सा हमने उसके अंदर आज सपोर्ट देखी और एक थोड़ी सी रैली देखी, उसका करंट जो टारगेट हो सकता है वो 12 से 13 रुपए के ऊपर है। जी एंड आईएसएल सेल प्राइस। जी आईएसएल जो इसका करंट टारगेट है वो 121 से 125 रुपए के ऊपर इसके एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे आप इसको शॉर्ट टर्म के लिए सेल कर सकते हैं। जी एंड शौकत जहांगीर है, इन्होंने एचपीएल को बाय किया था 150 टू 155 रेंज पर विद स्टॉप लॉस 145। जी एचपीएल एक कर सकते हैं, बिल्कुल बाय करना चाहिए करंट रेट के ऊपर और आप इसको होल्ड कीजिए, इसकी जो करंट टारगेट प्राइस होगी वो 170 के अराउंड होगी। जी अहमद चौधरी साहब एंड रैंप, हम आपका नंबर व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे और आपसे कॉन्टेक्ट भी कर लेंगे। इसके अलावा देख लेती हूँ। जी एनआरएल और पेल की टारगेट प्राइस बताइएगा तैयब। जी एनआरएल जो है उसका जो करंट टारगेट होगा वो 650 से 670 के दरमियान पॉसिबल है और पेल जो है उसकी जो रेजिस्टेंस है वो 62 से 63 रुपए के ऊपर मौजूद है। जी एंड पैकेजेस। जी पैकेजेस जो है जी पैकेजेस की सपोर्ट जो है वो 500 से 510 रुपए के ऊपर मौजूद है, आप इसको बाय कर सकते हैं इस रेट पे 480 के स्टॉप लॉस को कंसीडर करते हुए। जी हाउ टू सी एसएसजी फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड। जी एसएसजी अभी आप होल्ड कीजिए, इसका जो करंट रेजिस्टेंस और टारगेट होगी वो 38 से 39 रुपए के ऊपर है, यहाँ पे आप शॉर्ट टर्म के लिए प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। जी एंड डॉल टारगेट प्राइस। जी डॉल की जो फर्स्ट टारगेट प्राइस होगा वो 15 से 16 रुपए का होगा। जी थैंक यू नेम सर एंड थैंक यू तैयब। जी हमारे पास आज बहुत से नंबर है जो हमें व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करनी है, आबिद अलवी साहब एंड अमजद साहब का भी नंबर है, तो हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे और आप हमें अपने पॉजिटिव रिस्पॉन्स जरूर दीजिए और हमें फीडबैक भी दीजिए। हमारे सभी फॉरम्स पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, लाइक फेसबुक पर, ट्विटर पर, व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जैसे ऐड करेंगे वहां पे भी, एंड आप हमारी वेबसाइट पर भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और कल हम अपने टाइम पर 5:00 क्योंकि कल फ्राइडे है, तो हम अपने टाइम पर लाइव आएंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।